जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज से लगभग 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आने वाले 7 दिनों के भीतर वंदे भारत ट्रेन की अनाउंसमेंट हो जाएगी, जो हमारी 11th वंदे भारत ट्रेन होगी। और फाइनली एक मीडिया रिपोर्ट निकल के आ चुका है जिसमें कि लगभग एक कन्फर्म हो चुका है कि हमारी अगली वंदे भारत ट्रेन, जो कि हमारी इंडिया की 11th वंदे भारत ट्रेन होगी, वो नई दिल्ली से जयपुर के बीच में चलने वाली है। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, अगर वंदे भारत ट्रेन की बात कर लें तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी सिर्फ 10 वंदे भारत ट्रेनें ही चलती है पूरे इंडिया में, और 11th वंदे भारत ट्रेन जल्दी ही दिल्ली से जयपुर के बीच में चलने वाली है। अगर दिल्ली से जयपुर के डिस्टेंस बारे में बात कर लें तो लगभग 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इसे 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को हमारी वंदे भारत ट्रेन लगभग 4 घंटे और 5 मिनट में कवर करने वाली है। और इस वंदे भारत ट्रेन का भी मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड 130 km/h रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं कि इस वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हमें कब से देखने को मिलेगी। तो इस वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हमें मार्च के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगी, और ये न्यूज बिल्कुल कंफर्म हो चुका है और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से इस जानकारी को साझा किया गया है। तो आप इस न्यूज को कंफर्म न्यूज ही मान सकते हैं। अगर हम न्यू दिल्ली जयपुर वंदे भारत ट्रेन की टाइमिंग की बात कर लें तो ये वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 8 बजे के करीब निकलेगी और दोपहर 12 बजे जयपुर पहुंचेगी, और वापसी में सेम ट्रेन शाम के 6:30 बजे के आसपास जयपुर से निकलेगी और 10:30 बजे रात को फिर वापसी न्यू दिल्ली पहुंच जाएगी। और दोस्तों, इस वंदे भारत ट्रेन में एक काफी यूनिक चीज आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि नई दिल्ली से जयपुर वाला सेक्शन है उसका कुछ स्ट्रेच हाई राइज पेंटोग्राफ वाला सेक्शन है। हमारी इस वंदे भारत ट्रेन में भी हाई राइज पेंटोग्राफ की जरूरत देखने को मिलेगी, और इसके लिए हमारी 11th वंदे भारत ट्रेन जो कि नई दिल्ली से जयपुर के बीच में चलने वाली है उसमें आपको हाई राइज पेंटोग्राफ देखने को मिलेगा, और ये पहली बार होगा कि किसी वंदे भारत ट्रेन में आपको हाई राइज पेंटोग्राफ देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर इस रूट की बात कर ले नई दिल्ली से जयपुर वाला, तो ये रूट भी काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है, और इस रूट पर लगभग 2 से 3 महीने पहले से ही वंदे भारत ट्रेन चलाने की जो बात है वो चल रही थी। फाइनली अब ऐसा लगने लगा है कि इस रूट को वंदे भारत ट्रेन मिल गई। और दोस्तों, एक वीडियो में मैंने ये आपसे शेयर किया था, शायद आपको याद होगा, कि वंदे भारत ट्रेन का एक ब्रांड न्यू रैक दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन के आउटर पर देखा गया है। तो मे भी ये रैक दिल्ली जयपुर रूट पर चलने के लिए ही दिल्ली पहुंचा है। और दोस्तों, 9th और 10th वंदे भारत ट्रेन चलने के बाद सच में काफी लंबा इंतजार हो चुका है हमारी 11th वंदे भारत ट्रेन के आने में, और इस इंतजार के पीछे का रीजन बस यही है कि हमारी वंदे भारत ट्रेनों का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा स्लो है, क्योंकि अभी के टाइम में सिर्फ ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई ही हमारी वंदे भारत ट्रेनों का प्रोडक्शन कर पाती है, और 1 महीने में 2 से 3 वंदे भारत ट्रेनें ही बना पाती है हमारी ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो आपके मन में सवाल हो सकता है कि 3 कोच फैक्ट्रियां ऑलरेडी कोलैबोरेशन कर चुकी है वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए, तो सिर्फ ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई में ही इसका प्रोडक्शन क्यों हो रहा है अभी फिलहाल। तो बाकी 3 कोच फैक्ट्रियों की अगर बात कर ले तो पहला है रायबरेली, दूसरा है लातूर और तीसरा है सोनीपत, और इन तीनों कोच फैक्ट्रियों में वंदे भारत ट्रेनों के प्रोडक्शन के लिए सिस्टम डेवलप करने का जरूरत है, जिसमें अभी आने वाले 1 से 2 महीने का समय लगने वाला है। उसके बाद हमारी वंदे भारत ट्रेनों का प्रोडक्शन यहाँ भी बिल्कुल इजीली हो पाएगा। तो अगर हमारी इस वंदे भारत ट्रेन की बात कर लें तो इसकी शुरुआत हमें मार्च के लास्ट वीक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है, और इस न्यूज को आप बिल्कुल कन्फर्म न्यूज मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने खुद इस बात को शेयर किया है। और इस वंदे भारत ट्रेन की अगर बात कर लें कि ये ट्रेन वीक में कितने दिन चलने वाली है, तो ये ट्रेन भी बाकी वंदे भारत ट्रेनों की तरह वीक में 6 दिन चलने वाली है। सिर्फ बुधवार को इस ट्रेन का मेंटेनेंस होगा, जिसकी वजह से ये ट्रेन बुधवार को नहीं चलेगी, और इस 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को लगभग 4 घंटे और 5 मिनट में हमारी इस वंदे भारत ट्रेन को कवर करना है। और इसके स्टॉपेजेस की बात कर ले तो इसका पहला स्टॉप रेवाड़ी और दूसरा अलवर में देखने को मिल सकता है, हालांकि जो ट्रेवल टाइम है वो कुछ ज्यादा है, और इसके पीछे का रीजन है स्पीड रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हमारी वंदे भारत ट्रेन तो 160 km/h पर चलने के लिए कैपेबल है, लेकिन ज्यादातर रूट हमारे भारत में 130 से ऊपर जाने के लिए कैपेबल नहीं है। इसके लिए हमें जरूरत है अपने ट्रैक्स को इम्प्रूव करने का, और यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि हमारी ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई से अब तक 2 वंदे भारत ट्रेनों का रैक रोल आउट हो चुका है, तो अगर हम मान ले कि 1 रैक दिल्ली जयपुर को मिला है, तो यहाँ पर सवाल ये है कि दूसरा रैक किस रूट पर मिलने वाला है, जो हमारी 12th वंदे भारत ट्रेन होगी। इस पर फिलहाल अभी कोई भी अपडेट नहीं है, इस पर अगर कोई भी अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। और जैसा कि मैंने आप सबसे बताया था कि आने वाले 1 सप्ताह के भीतर आपको 11th वंदे भारत ट्रेन का अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।